हमारे इंस्टाग्राम के सबसे मैच्योर है मयूर, जिसे सब लोग चाचा बोलते, पर मैंने हमेशा मयूर बोला है और अपने दोस्त की तरह इसको ट्रीट किया है, मयूर बोला। कभी तेरे को मैंने कभी चाचा वाचा बोला है? चल बता नहीं मुझे, नहीं मैंने यही बोला काश मयूर अपने तुम दोस्त के साथ जी है, और अपने लगा लेती दोस्त तो है, अपना शायद जिगरी मेरी दोस्त है, फीलिंग यही कुछ और बोला था मुझे होती। एक हमेशा। मिनट शेरनी जी, हाँ तुम चाचा के बोलोगे? तुम तो एक ही उम्र के दोनों। ये किसी और ने भी बोला था। हाँ चल ठीक है छोड़, हाँ मैं इसी की उम्र की हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ना चाचा नहीं बोला, मैंने कहा चल दोस्त है अपना, ठीक है यार है अपना, चल ठीक है हाँ जिगरी दोस्त है अपना, ठीक है। अच्छा चल एक बुरा बात बता मयूर, तू बहुत पुराना है ठीक है, हाँ यहाँ किसका खेला नहीं हुआ, किसकी एक दूसरे के साथ भिड़े नहीं है यहाँ सबका तुम, खेला बता हुआ मुझे है, है? सबका खेला हुआ है। कहते हैं ना वो दोस्ती ही क्या, जहां भड़क ना हो वो दोस्ती, कहां जहां लड़ाई ना हो। एक बार तो लड़ाई करना बात बनता है ना, तभी तो फिर पता लगता है ना एक दूसरे की वैल्यू, एक दूसरे की कीमत तभी पता लगती है, जब तक एक बार लड़ाई ना हो है जी, मैं तो कह बस। रहा हूं जब तक 32 दांतों के बीच में नहीं आ जब तक मजा नहीं आता। नहीं यार ये दोस्ती जो होती है ना, जब तक एक बार लड़े ना ना उसकी वैल्यू उसकी कीमत नहीं पता लगती कि वो आपके लिए क्या था कहकर। लड़ना भी बहुत जरूरी है दोस्तों के बीच में, लड़ाई होना भी बहुत जरूरी है अरे बस। जहां लड़ाई होती है वहां प्यार होता है। हाँ और मुझे दिल से मैं बोलती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगा कि इसने सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया था हमारी लड़ाई के बाद, और एक हफ्ता तक तो खैर मैं भी इन नहीं थी, उसके बाद फिर मैं नहीं ये आई ठीक भी है, थी। कभी कभी आना भाई का बहुत अच्छा है, बस हाँ कभी पर कभी ठीक कपिल, हाँ कपिल, कपिल एक बिजनेसमैन है, एक इसकी वैल्यू अलग है, मेरा क्या, मैं तो देख कपिल तुझे पता है मैं काम मेरा एक अलग है, और पर मेरा शौक एक अलग है, मैं रोड पे भी नाचती हूँ, मैं कॉमेडी भी करती हूँ दुनिया भर, पर तू अपना ना एक अब वो बना ले यहाँ पे, बस मैंने बता दिया अपनी एक वैल्यू रख ले शेरी यहाँ, जी। आप तू अपना एक ऐसा बनाओ तुम्हें एक चीज हाँ, क्या दिखाऊं? हर किसी के साथ नहीं जुड़ना, अबे हर तू किसी के कच्चे साथ में कहते नहीं बैठा बैठना, हुआ एक अपनी वैल्यू कपिल, बना के चलो अभी बस। अभी कुछ रील था वहां अरे दिखा था कोई भाई चक्कर गोरो में कहता है बेटा, बड़े दिनों बाद नजर आया तू तो जींस में सोता है गोरो भाई। अरे यार आज मुझे आद्या ने बोला, कह रही मैं पापा आपके लिए ना एक वो लेकर आई हूँ अपना, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट शॉर्ट, आप इसे पहन के। मैंने कहा बेटा मच्छर वच्छर काटेंगे पैर में, तो उन्होंने कहा शर्मा जी तो होते हैं मच्छर तो आते नहीं आपके पास। ये शर्मा जी बैठे हुए मच्छर ले गए थे। नहीं गर्मी गर्मी में शॉर्ट्स ही ठीक रहते घर में ना, ठीक है अपना। तो अरे चक्कर क्या है इधर ना, पेड़ पौधे बहुत है घर के बाहर, तो मच्छर मच्छर भी होता बहुत होते हैं, हाँ ये तो है, जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं मच्छर होते हैं। है। चलो ठीक है कपिल भाई, बाय बाय। मैंने सुबह नौ रुको बजे यार, कहीं तुम काम अरे कहाँ मैंने जा सुबह रहे सुबह हो? 9 बजे कहीं काम से जाना है एसडीएम नहीं यार। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम तो हमसे मिले हो ना गौरव, गोराव हाँ जी हाँ जी, तो कहाँ जा रहे हो? मैंने सुबह 9 बजे अच्छा ना कोई काम से जाना है। अच्छा तो कहाँ जाना हाँ है? वो कोई काम था एसडीएम, कोई काम है वहां जाना है। अंबानी के साथ मीटिंग तो नहीं है कहीं नहीं तुम्हारी? एसडीएम जाना है, वहां से कोई काम है मुझे सुबह 9 बजे। अच्छा चलो कोई नहीं, एंजॉय करो, पता लगे पीछे से वो मिसेस अंबानी बुला रही है, खींच रही है, हाँ सो नहीं, जाओ बस हो गए बंद सब, करो हो गए लाइट। बीवी बच्चे सब सो गए, थके हुए थे सो गए दोनों सो गए। चलो ठीक है ओके ओके कपिल भाई ठीक है, जी हो रहा ओके भाई, गुड नाइट, ओके चाचा, ओके शेरनी जी, गुड नाइट बाय बाय। गुड ओके नाइट जी भाई, गुड नाइट भाई, और गुड बाय। नाइट गुड नाइट। ओके ओके हमारा क्या, हम तो उल्लू के बाय। कुछ बहुत गंदे मैसेज आ रहे कपिल, अगर तुम्हें दिख रहा हो ना तो प्लीज उन्हें या तो हाइड कर दो लाइव से या फिर उन्हें ब्लॉक कर देना, ठीक है? मैं ना एक काम करता हूँ, सबसे बढ़िया मैं ना इसको मैसेज बंद कर देता हूँ, हाँ बहुत कैसे गंदे बंद हो कुछ, गया मैं इसका। मुझे पता है ना अगर आज हम बैठे हैं तो कुछ गंदे मैसेज भी यहाँ पे हमें फेस करने पड़ेंगे, मुझे पता है उस चीज को। मैं मैसेज वैसेज की तरफ देख नहीं रहा, मैं तो खा पी रहा हूँ और आपकी बातें सुन रहा हूँ। हाँ मैं मैं मैसेज देख रही हूँ ना यहाँ पे मैसेज मुझे दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इन्हें बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं होगा ना, इन्हें आज आज इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई ये दोनों बैठ कैसे गए एक साथ कहकर, लोगों की गांड में मयूर जलन को मच तो गई खेला होगी, चाहिए था है, मयूर इनको तो खेला चाहिए था, दोनों एक दूसरे का लोगों की गांड में हाँ गांड जली हाँ होगी दोनों एक लोगों दूसरे की की। इज्जत उछालते और पूरा एक दूसरे की माँ बहन करते, उनको ये खेला चाहिए था, खेला हो गया एक रात में ही बंद, ठीक है? तो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो चीज,
और ये तो अभी आया है, मैंने तो दो दिन तीन दिन बाद ही मैंने लाइव पे बता दिया था एक वीडियो बना के कि कपिल और मेरी और तरु की सॉर्ट आउट हो चुका और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं, कहकर मैं वीडियो बना के डाल चुकी थी। भाई एक जैसे लग रहे हैं दोनों। मेरे भाई इतने बाल तुम्हारे कभी पूरी लाइफ में आए हैं? दाढ़ी तो इससे ज्यादा है भाई। अच्छा नहीं, वैसे तुम्हें दाढ़ी वाड़ी आती है या रखते नहीं? नहीं आती है ना। तू रहन दो यार। मयूर यार इतनी भी झूठ मत बोली सेज में आके ना, मत बस ठीक है, तुझे अपना दोस्त बोल रही, तो तू कदे अपना 40 साल का मत बना अपने आप को, समझ रहा है? मेरे को क्या जुकाम रहता था जो वाइट हो गई थी तुम्हारी वाइट बाल। सुनो, एक होते इंसान के काले बाल, ठीक है, फिर आते हैं वाइट बाल, तुम्हारे वाइट बाल भी एक्सपायर डेट में निकल चुके हैं। आज एक रील बनाई थी मैंने, कभी डाली नहीं, वो आपको भेज दूंगा। तुम्हारे वाइट बाल भी तुम्हारे शरीर में से खत्म हो चुके हैं। अब वाइट और काले के अलावा तो आते नहीं है। अब काले तुम्हारे खत्म हो गए थे तुम्हारे 26-27 साल में, और अब 46 में वाइट खत्म हो गए हैं। अब वाइट नहीं आते, और अब तो बहुत टाइम लगता आने में भाई। जब मैं 3 महीने में रेडियो कराता हूँ, उससे पहले उड़वाता हूँ। तुम एक बार ना मूंछ और दाढ़ी रख के दिखाओ। अब तो मयूर का ये टाइम आ गया कि उसके बाल ही नहीं आते बेचारे के, ना व्हाइट आते ना ब्लैक आते, बाल ही नहीं आते। मैंने बोला तो है उसकी भी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है की भी। तो मयूर अब तू छोड़, अब दोबारा तू शाहरुख खान बन गया, समझ रहा है बात को, पुराना शाहरुख खान। अरे शेरनी जी, अपना जमाना रह चुका है, सुनो। अरे जमाना तो अमिताभ बच्चन का भी रह चुका, अब कौन? अरे तुम्हें याद नहीं भाई, मैं करता था पहलवानी, तो जो मैं लंगोट बांधता था ना, लंगोट पता है, डॉक्टर जैसे वो नहीं थी गायनिक डॉक्टर, वो क्या करती थी, जिस लेडीज के बच्चे नहीं होते थे ना, तो मुझसे कहती थी सर जरा लंगोट काट के भेजना थोड़ी सी, मैं काट के भेजता, उन्हें पानी में घोल के पिला देती थी। अरे शैलेश जी, लड़की प्रेग्नेंट हो गई और जिनके बच्चे नहीं होते, लंगोट में ताकत थी मेरी ऐसी, सारी लंगोट में ही तो नहीं थी ताकत। यार कुछ भी बोलो। अच्छा मयूर भाई का फिल्टर ना पूरे इंस्टा पे नहीं मिल सकता, इन्होंने खरीदा हुआ फिल्टर है, अलग ही लगती है जेन्युइन में। अच्छा मैं इनसे वैसे जब पहली बार मिला ना, मैंने कहा यार ये तो होंगे एजिड वगैरह, 45-50 साल उम्र होगी, 50 भी हो सकती है, तो 5-6 साल तो ये भी कम बताते हैं, 50 तो है ही, 46 बोल रहे हैं तो 50 तो है ही। लेकिन जब ये मिलने आए विग विग लगा के, बहन किया पतले से स्लिम, मैंने कहा भाई मुझे लग रहा है किसी गलत बंदे से मिल रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा वो नहीं भाई लगती नहीं सामने से। बल्कि कैसा लगा, मतलब कैसा एज, सामने से मेरी उम्र के लगे, 30-32 साल के। अरे तुम तीन, क्या बात है भाई, प्लीज तुम ना अपनी यार प्लीज तुम। अरे मैंने दाढ़ी सफेद करा ली तो मैं 30-32 कह रहा हूँ ना, नहीं तो मैं 40 ही कह रहा था। मतलब हाँ वही, मतलब तुम यार वो इंस्टाग्राम के बाकी फुकरों की तरह ये मत बोलो मैं 34 साल का हूँ, मैं 35 साल मत बोलो। नहीं मैं तो 40 साल का हूँ, लेकिन जब से मैंने शेव ब्लैक कराई है ना, वो कलर कराया, तो मैं 30 में आ गया हूँ। हाँ, तो मुझे लगा ये जेन्युइन 38-39 साल, नहीं नहीं लेकिन जेन्युइन 30 नहीं बोल सकते, छोटे लग रहे 35 के हो गए, 5 साल कम हो जाता है ये, भाई से छोटा लग रहा था। देखो आप 30 नहीं जेन्युइन, हाँ 30 जेन्युइन। जब इन्होंने बोला ना, इनका लड़का भी आया था साथ में, क्या नाम था बेटे का, हसन, हसन हसन हसन, हाँ बेटा भी आया, उनने उससे भी मिला, मैं फोटो वोटो ली, उसने भी है मिले हम 10 मिनट के लिए, क्योंकि ट्रेन 15 मिनट 12-13 मिनट ही तो रुकती है, 4-5 मिनट ही मिलता है हमारा 10 मिनट। तो हाँ, तो मुझे लगा नहीं कि ये अपना हमारे चाचा है, मुझे तो लगा बिल्कुल ही या तो उनके लड़के आ गए हैं मिलने की, चलो जी क्या मिला तू। नहीं मैंने तो मयूर को देखो शुरू से ही चाचा बोला ही नहीं है, अगर नहीं बोला तो मयूर बोल दे एक बार, मैंने तुझे चाचा करके बात बोली है, नहीं बोला कभी। ते पता है तेरी उम्र में हमने भी एक दिन जाना है, समझ रहे बात को, ठीक है?
सुन अब देखो, कोई हमें भी चाची बोलेगा तो अच्छा नहीं लगता ना, समझा अगर बात को, ठीक है? पक्का, एक घंटे को आऊंगा तुमसे मिलने, चाय पीना आऊंगा, आऊंगा जरूर, बोलना तुम चाचा तेरी उम्र में जा रही हूँ। अरे सामने नहीं लगते ये, सामने नहीं लगते इनका बिल्कुल ही, मतलब लाइफ के ऊपर चेहरा अलग है और सामने मिलते हैं बिल्कुल पतले से हैं और कहीं से कहीं ऐसे लगे ही नहीं बहुत उम्र के, जींस वगैरह पहन, जींस ब्लू कलर की जींस पहनी थी जब आप आए जी भाई। हाँ अच्छे लग रहे थे, फिट लग रहे थे बिल्कुल, कोई पेट नहीं है कुछ नहीं, पेट तो निकला हुआ, वीक तो लगा रखी थी, पतले थे आप। अच्छा, लेकिन बाल बाल तो लग रहे थे मुझे, मेरे को लगा कि नहीं है ना, वो साइडों में आते ना। चल नेक्स्ट टाइम अगर कभी मुलाकात हुई तो वीडियो बनाते। अच्छा मयूर भाई साइडों में भी आते हैं, कहीं और भी आते हैं? छाती छोटी छाती छोटी पे आते ना बाल, सब जगह आते हैं भाई। इसका इसका जवाब तो अगर यार राहुल जुड़ा होता ना वो बताता ज्यादा अच्छी तरह। अरे वो तो बहुत बड़ा वाला है, बहुत बड़ा वाला, वो बड़ी गंदी तरीके से लेता फिर है। वो भाग उनके बारे में डायलॉग के मामले में तो राहुल भाई आगे हैं, बहुत आगे। डायलॉग एक से एक मतलब पता है, वो ट्रक वाले ड्राइवर, ट्रक के ड्राइवर नहीं होते, वो ट्रक के पीछे वो वाले डायलॉग होते हैं उसके सारे, A1 डायलॉग इन्होंने कंडक्टर ही करी है राहुल भाई ने। हाँ अच्छा, चाहे कुछ भी जैसे मर्जी कहो, लेकिन पंडित जी जो डायलॉग मारते हैं ना भाई, हाँ। तो अलग ही है, इतना लंबा डायलॉग, हाँ, अलग ही, मतलब ये नहीं कि छोटा सा, हाथ हाँ। बोल के रोक दिया। अगर यहाँ राहुल होता ठीक है, हाँ। तो इसकी इसकी मयूर की ना कोता ही पूरा, हाँ। खानदान को ना लेके वहां तक पहुंच, कई बार तो भाग जाता हूँ मैं राहुल भाई के मारे, वाइट बाल शुरू हो गया है, और गले बाल सारे बाल नजर दिखा देता वो। नहीं नहीं सही है वह, एक्चुअली वो थोड़ा लाइव वाइव कम आ रहा है और अच्छी बात है, वो जब आता है बड़ा से भड़क ही मचती है उसकी लाइफ में भी। खैर मेरे से तो अब भड़क नहीं मचाएगा वो, उसने लास्ट वाली प्रॉमिस किया इस बार ठीक है कि तेरे साथ लाइव आते भी नहीं, हम ज्यादा नहीं आते राहुल भाई। बाकी और कुछ है उसकी लाइफ में तो वो अब आगे अपना कुछ उसका गोल है, वो कुछ अपना एक्टिंग लाइन में जा रहा है, तो ये सब लाइव वाइव के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा वो कंट्रोवर्सी में, एक्टिंग लाइन में। हाँ एक्टिंग लाइन में घुस रहा है ना वो, उसको लगता है कि उसे धर्मेंद्र का रोल उसी को मिल रहा है, धर्मेंद्र करते होगे ना तो रोल उसी कल को मेरी लाइव देखेगा, कहेगा मेरी बुराई कर रही थी आज के लाइव पे, दो साल पहले और अब में जमीन आसमान का गया। हाँ, बहुत बदल लिया अपने आपको, तो हीरो बन रहा है। सुबह 5:30 बजे उनके घर के सामने ना पार्क है, कह रहे मैं 5:30 बजे दौड़ लगाता हूँ 45 मिनट 30-40 मिनट, मतलब 5:30 उसके 10:30 12 नहीं 6 बजे ऑनलाइन होता है, मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ पंडित जी उठ जाते हैं 5:30-6 बजे। बात कर दी, हाँ हाँ सही है, 6 बजे तक तो गुड मॉर्निंग का मैसेज भी आ जाता है मेरे पास, वो मैसेज करके दोबारा सो जाता, तुम यकीन कर लो क्या वो अलग क्या? नहीं, वो शुरू से आदत है, वो 5:30-6 बजे उठ जाता है, ये बात पक्की है, सही 9:30-9 बजे तो अपने काम से चला जाता है बंदा, उठ जाते हैं 6 बजे। और सुनाओ तुम तो क्या हाल है तुम्हारा, ये मयूर भाई एक ऐसे है जो उड़ते। अच्छा मयूर भाई अभी तुम ऐसा, मैं कहता हूँ अभी हमारी लाइफ 2 मिनट चले, 10 मिनट चले, आधा घंटा चले, लेकिन उसके बाद भी तुमने कम से कम 4-5 सेशन और निपटा लिए। नहीं नहीं पे नहीं जाता, देखता रहता हूँ दूसरी आईडी से, किसी न किसी, वही तो मैं कह रहा हूँ 4-5 सेशन और निपटा लिए, इधर लाइफ उधर क्या चल रहा है, 6-7 बजे सोता हूँ। पूरे इंस्टाग्राम का तुम्हें पता है, अगर किसी की भी कोई बात कर लो ना उस्ताद, पूरी कहानी बता दोगे, ये बात हुई थी, यहाँ से शुरू हुआ था, पूरा सब पता है तुम्हें, खबरी है ये, खबरी हमारे इंस्टाग्राम। अरे कल तो उसने ब्लॉक कर दिया मुझे, पहली बार लिया, वो सुहाना नहीं है क्यों? उसने उसके साथ बाबा ने ऐड कर दिया मुझे, मैंने सुहाना जी तुम तो मेरी जोड़ी की हो, मैंने कहा तुम 42 की, मैं 46 का, फिर भाई उसे ऐसा बुरा लगा, उसने ब्लॉक कर दिया।
सुहाना जी अपना ये जो अमेरिका वाली है जो अमेरिका वाली अच्छा ये अच्छा मैं इनको कई बार जैसे मैं फेक आईडी से देखता था तो ये पहले चेहरा नहीं दिखाते थे अभी इन्होंने शायद अभी मैंने देखा कि ये वही है जो चेहरा दिखा के आ रहे पहले जब टाइप करना शुरू किया विदाउट फेस आते थे अभी फेस ना ये सही है टाइम देखी थी मैं ये सुदीप पनोड़ी की दोस्त है हाँ पनोड़ी के ग्रुप की है पनोड़ी हो गया मलाइका फुल फ्रेंड है वो उसके क्या नाम ले दिया मुंह से सुबह अरे छोड़ो ना कोई बात नहीं कई बार होता है मुंह से निकल जाता है छोड़ो लेकिन एक बात है भाई कुछ भी कहो सामने वाले के आंसू तो आ गए किसके नाम नहीं ले रहे अपन उसका आंसू आ गए अगले के मुंबई अभी ट्रेलर में हाँ अभी आएंगे चलो ये बातें हाँ, मैं खुद अब बातें करते हम मैं कोई ये बात करता ही नहीं मैं तो खुद ही बड़ा परेशान हो गया इन चीजों से ना आईपी सब बात करो जी तो सोनी जी कब बुला रहे हो आप मयूर भाई जैसे जब भी तुम लाइव पर आते हो मैंने देखा तुम अकेले होते हो कमरे में कोई बच्चा भी नहीं होता जैसे आपका बेटा भी है मिसेज भी है तो आपको घर से बाहर निकाल देते हैं या मतलब दूसरे कमरे में नहीं एक्चुअली क्या है कि वही राहुल भाई वाली बात अपन बात करें ना तो मेरी मिसेज को लगता है इनका प्यार चल रहा है गोल्डी आया हुआ है नीचे कपिल गोल्डी आया हुआ है नीचे लाइव पे गोल्डी पहलवान भाई इनवाइट भेज दिया भाई राम राम भाई जी राम राम कपिल भाई क्या बोले भाई क्या हाल है यार भाई साहब मुझे लगता है इंस्टा पे सबसे स्मार्ट मैं ही हूँ फिर तुम आ जाते हो यार ये कोई बात है यार बहुत सेडली आप तो कपिल भाई स्मार्ट लग रहे हो क्या चक्कर है वही तो बात कह रहा हूँ भाई साहब देखो काले बाल जहाँ होते हैं ना वह बंदा स्मार्ट वह बंदा कहता है ठीक है यार बैठा बैठा रहने दो हाँ जी हाँ जी तो गोल्डी भाई भी डाई लगवा ले मयूर भाई खाली हो गई वाह और कुछ भी ऐसा ऐसी कपिल ऐसी बात नहीं है तुम्हें मैंने जब तुमने अपनी पूरा व्हाइट दाढ़ी और मूछ रखी थी तब भी मैंने कहा था तुम स्मार्ट लगते हो ठीक है और मैं प्रॉमिस करी पूरे इंस्टाग्राम को अगर इंस्टाग्राम में मैं सही सलामत रही तो आने वाले 10 साल में जब मैं 50 कंप्लीट करूंगी ना मैं अपने बाल को प्योर बाल को सफेद रखने वाली हूँ कोई मैं कलर नहीं करने वाली पूरा सफेद बाल रखने वाली हूँ और बॉयकट हेयर रखने वाली बॉयकट हेयर ये मेरे आने वाले 10 साल बाद 50 की जब हो जाऊंगी 50 की जब होंगी तब बोला है मैंने हाँ तो मैं नहीं मेरे ऑब्वियसली यार 50 से पहले एक लेडीज के सफेद बाल मेरे अभी से स्टार्ट होने लग गए हैं व्हाइट बाल स्टार्ट आने लग गए हैं मेरे आने लग गए तुक्के तुक्के आने लग गए हैं मैं कलर करती हूँ लोरियल का कलर करती हूँ बालों में तो 10 साल बाद तो और अच्छी तरह आएंगे तो मैं कलर नहीं करूंगी तो मुझे अच्छा लगता है मैंने बहुत यहाँ पे आदमियों को देखा औरतों को देखा जो पूरे व्हाइट बालों में आती है जो ये उम्र से पहले ही और उसके बाद उनका एक अलग ही टसन रहता है ये स्टार्ट किया जिया भादुड़ी ने याद रखना ट्रेंडिंग स्टार्ट किया था जिया भादुड़ी ने सफेद बालों का ट्रेंडिंग मैं तेरे को ना मैं तेरे को ट्रीटमेंट बताऊंगा तेरे मरते दम तक काले बाल रहेंगे चल बता दियो पर मेरे को ना एक बार सफेद बालों में आना है पूरा पूरा एक काम कर लेना सफेद डाई लगवा ले आ जा लगवा लो देखो जैसे तेरे तेरे मैंने सुनो तेरे शेडनी 50,000 फॉलोवर कम हो जाए जिस दिन तो सफेद बालों में आ गई कुछ भी एक आदमी अगर मेंटेन न रखे बट औरत को मेंटेन रखना पड़ता अपने आप को तो बस तो मैं तो मैंने तो बोला ना मैं आने वाले टाइम में रेखा पार्ट 2 बनने वाली हूँ मेंटेन रखूंगी मैं रेखा ना 70 70 इयर्स की और देख लो रेखा को अभी
कैसे तड़पती भड़कती बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बन के निकलती है, उसको देख तो वही गुड़गांव की फेरनी होने वाली है उसके खसम को देख। अच्छा रेखा नहीं है? अरे खसम नहीं, तभी तो बोल रही हूँ। अरे तो कुछ भी मतलब सोच समझ के बोला कर, बैकग्राउंड देखा कर पहले। रेखा भाई, कपिल भाई आप झूठ मानोगे, शादरा में हमारी पड़ोसन थी, ये शादी इसकी यहाँ हुई थी हमारे यही शादरा में, यही आई थी, बस दो दिन ही रुकी, उसके बाद ये बॉम्बे भाग गई, फिर पति को डिवोर्स दे दिया इसमें। चार शादियां हो चुकी है उसकी, आई थिंक पहली दूसरी हमारे उधर ही हुई थी इसकी, बिल्कुल मेरे पड़ोस जो हमारा घर है ना उसके नेक्स्ट घर इसका था, वो खंडर बना हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कम से कम 200-250 गज की। जब रेखा जवान थी ना तब मेरा एक सपना था कि रेखा को लेलाने का काम मिल जाए मुझे, सबका रेखा को सबका बाथरूम में मिला हूँ, तुम्हारा अकेले का नहीं था। वो टट्टी करे तो उसकी गांड लुलाऊं। मयूर भाई की तो उम्र की है ना फिर वो? नहीं, मयूर से बड़ी है कपिल, कुछ की भी बड़ी है। मयूर 50 का भी नहीं हुआ, वो 70 के आसपास की है। अरे भाई मिल वो तो मयूर भाई की आते है ना, 50 का नहीं हुआ। आप गूगल में सर्च करो आपको पता लग जाएगा रेखा की एज क्या, नियर 70 के आसपास की है वो। 70 कपिल भाई होने देंगे, बहुत से लड़कों को आंटियां पसंद होती है, भाभियां पसंद होती है, मिल लेडीज पसंद होती है। सही बात है, आपका चलती है सुबह सुबह तैयार शहर होकर? नहीं नहीं, सुबह सुबह नहीं है, यहाँ पे शाम के भाई 5:30 बज रहे हैं। मैं अभी सो के उठा था, मैंने जिम जाता हूँ यार, कल मिस हो गया मेरा जिम। अच्छा जिम जा रहे हो? हाँ जी हाँ जी, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं भाई। तो जिम के जिम वेयर वगैरह तो लेकर जाते होंगे साथ में? हाँ भाई, जिम वेयर पहन के जा रहा हूँ, टी शर्ट है, लोअर है, शॉर्ट्स है। अच्छा अच्छा, बैग है पीछे। अच्छा गोल्डी सुन मेरी बात, कपिल और मेरी जैसे हम लाइव में बैठे हैं, हमारी दोस्ती दोबारा लाइव में देखे कैसा लग रहा है तुझे? मुझे तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे तो किसी से लड़ाई झगड़ा अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो प्यार व्यवहार अच्छा लगता है सबके साथ, सब हंसते खेलते। मयूर भाई दूसरी लाइव में पहुंच गए। मैंने तो शेरनी से भी कही थी, मैंने कहा अपना शॉर्ट आउट करो, कही थी ना, कही थी बोला था इसने, और तूने बहुत बाद में कहा था, उससे पहले हमारा शॉर्ट आउट हो चुका था, हमने बात को पढ़ने ही नहीं दिया, हमने अगले दिन ही शॉर्ट आउट कर लिया था। बट कभी भी ऐसे होना नहीं चाहिए यार दोस्ती में ना। चलो ठीक है ना यार, वो हो गया जिसकी, चलो हो गया तो हो गया, रात गई बात गई। हाँ, और बताओ, खत्म करो। कपिल भाई तुम भाई स्मार्ट लग रहे हो गुरु, तुम ऐसे लुक में रहा करो, इतने लाइव नहीं था, टाइम से सो रहा था, टाइम से खा रहा था, टाइम से उठ रहा था, इसलिए सेहत अच्छी है। अब बैठेगा लाइव पे, लुक कराया ना भाई ने, लुक कराया ना वो तो भाई, पता है रात को इतनी जल्दी नहीं सो रहा। अभी मैं अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर रहा हूँ, अगले हफ्ते तक दिखाऊंगा। छोटे छोटे कर रहे हो बाल? ये जो बाल आपको पीछे दिख रहे हैं ना अभी, हाँ जी, ये अब आपको आगे दिखा करेंगे यहाँ पे ऐसे। क्या बात भाई, एक रील भेजूंगा मैं, आपके बाल बड़े तो हैं, एक दो लड़के रखते हैं ना बीच, मतलब साइड की मांग निकाल के बाल को यूं वैसे रखो एक बार। अरे यार वो ना थोड़ा सा अलग हो जाता है, मैंने भी पीछे अभी कल मेरी बेटी का बर्थडे था गुड़िया का, तो उसने ना यहाँ से चीर निकाली देखो इस जगह से, और यहाँ पे उसने क्या करा, वो चोटी टाइप में ना ऐसे करके बांध के वो पीछे तक ले गया, और इधर से भी ले गया। जब मैं घर पर आया तो सारे देख के हंसने लगे, ये जो लड़के काम करते हैं और ये सारे ड्राइवर आप वैसे तो हंस नहीं रहे, लेकिन वो ऐसे ऐसे कर रहे। मैंने कहा फटाफट चेंज कर भाई ये ना। यार मैं भी बढ़ा रहा हूँ बाल, मैं भी बढ़ाऊंगा बाल अब। भाई 1.5 साल लगेगा आपको बाल बढ़ाने में अगर बढ़ाओगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1 साल तो लगेगा, 6-7 महीने तो लगेंगे बेसिकली यहाँ तक आने। नहीं नहीं, 1.5 साल 1.5 साल, चलो 1.5 साल वेट कर लेंगे। पहले मैं रखता था मैंने तो, बाल ना मुझे 2015 में रखे थे मैंने, आज 8 साल हो गए भाई। नहीं अब तो अगर आप छोटे बाल कटवा लोगे ना करवा लोगे
पहचान ही नहीं पाएंगे आधे, क्योंकि लोगों को आदत हो जाती है एक लुक को देखने की ना, एक आदमी। भाई आप बिलीव करना, मैं अपनी जितनी प्रॉपर्टी से प्यार नहीं करता ना, उतना इनसे प्यार करता हूँ। हाँ जी हो जाता है, होता है ना कि आठ आठ साल से जिसको मैंने रखा हुआ है। और एक बात बताऊं, मतलब आप बोलो कि ऐसी बात कर रहा है, बालों को केयर के भी ना कम से कम ना महीने के 30,000 रुपए का खर्चा है। कपिल थोड़ी देर कमेंट ऑन कर दो। पीछे पीछे अपना ये बियर्ड ग्रो कर रहा था, राइट, मैंने पीछे करी थी। हर हफ्ते दो, हर हफ्ते 10 दिन में तो पहले बार्बर के पास जाओ, सेट कराओ, फिर उसके बियर्ड ऑयल, खर्चा तो है भाई इन चीजों के साथ, पूरी मेंटेनेंस है। हाँ 30,000 मैं कह रहा हूँ, 30,000 ना मांगो तो 24-25 हज़ार रुपए तो इंडियन मतलब यहाँ पे हमारे मेरे बालों का खर्चा आ जाता है। वो स्पा कराना है, 6,500-7,000 रुपए का स्पा हो गया, फिर कलर हो गया, फिर उसको 2-3 बार कटिंग करानी है, बाल कान से इधर ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब कुल मिला के खर्चा बहुत है भाई। राइट, सबसे ज्यादा प्रोटीन बाल लेते हैं पूरे बॉडी में। प्रोटीन ही खाते हम तो, और कुछ खाते ही नहीं है, चिकन और मटन ही, नहीं मटन तो मैंने छोड़ दिया, चिकन और अपना फिश। ठीक है,